अपने जीवन में आपको सफलता पानी है तो रोज सुबह उठने के बाद में यह करें, मतलब क्या करें, उसके बारे में ये वीडियो में मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। क्या होता है कि 7-8 घंटे की नींद आपके अच्छे होने के बाद में सुबह एकदम व्यक्ति फ्रेश रहता है, आप एकदम फ्रेश रहते हो, दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं रहता उस समय, कोई ज़्यादा विचार नहीं रहते। और स्पेशली वो अवस्था आप यदि पकड़ते हैं कि ना पूरे जागे हैं ना पूरे सोए हैं, मतलब बीच की अवस्था है, तो वो अवस्था यदि पकड़ लिया तो बहुत ही अच्छा है कि ना पूरी जाग आई हुई है ना सोए है, मगर अवेयरनेस आपको है कि अपन कहाँ हैं, सोए थे अभी उठे हैं। ऐसी अवस्था में आप यदि उठते हैं, खुद को अलर्ट कर लेते उस समय वो अवस्था पकड़ के, और अलर्ट करने के बाद में वहीं बेड में बैठे बैठे ये ध्यान लगा के बैठते हो और कुछ अफर्मेशंस खुद को कुछ देते हो, तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि उस समय देखो होता क्या है कि दिन में हम जब काम करते रहते हैं तो हम काम में बहुत व्यस्त हो जाते हैं, एक काम दूसरा काम तीसरा काम, एक के पीछे एक काम चालू है, वो काम के बारे में हम सोचते रहते हैं, वो काम के ऊपर ध्यान लगा रहता है, और फिर उसमें कोई क्रिएटिविटी होती नहीं, उसमें कोई सबकॉन्शियस माइंड को कुछ जाता नहीं है, जो भी होता है दिन भर में वो पूरा ऑटोमेटिक होते जाता है, ऑटोमेटिक करते जा रहे हो, ऑटोमेटिक करते जा रहे हो, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। यदि आप सुबह उठ के बेड में बैठे बैठे यदि खुद को कुछ सूचनाएं देते हैं, अफर्मेशंस देते हैं, तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और आप ये करके देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितने प्रभावी अपने जीवन में हो चुके हैं। तो क्या करना है, एक तो सुबह जल्दी जब आप उठते हैं तो बेड के बेड में ही वहाँ बैठ जाना, यदि टॉयलेट जाना है तो टॉयलेट जाके आ जाओ, और उसी समय ब्रश करना है तो ब्रश करो, मगर चाय पानी लेने के पहले जस्ट बेड में बैठो, ध्यान लगा के बैठो, अपने गोल के बारे में सोचो कि मेरे गोल्स क्या है, मुझे क्या हासिल करना है, आज के दिन में मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में सोचो। उसी समय काम पड़ा तो अपने मोबाइल के नोट्स में लिख डालो, कैलेंडर में लिख डालो किसको मिलना है किसका नहीं, तो और फिर बाद में खुद को अफर्मेशंस दो। देखो अफर्मेशन जब हम देते हैं तो लोग बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ मन के मन में, तो जब आप मन के मन में सोचते हैं और अफर्मेशन दे रहे हैं तो उसका प्रभाव इतना नहीं होता जितना कि जब आप वो अफर्मेशन बोलते हैं उसका होता है। तो आज मैं बहुत स्वस्थ हूँ, आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, आज मैं बहुत ही खुश हूँ, आज मैं भी सोचने आज जो भी मैं कुछ सोचने वाला हूँ आज मुझे मिलने वाला है, जो भी मैं चाहता हूँ आज मुझे मिलेगा, जो भी चुनौतियाँ आज मेरे सामने आएंगी उसका मैं सामना करूँगा और सफलता पाऊँगा, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा जाएगा, आज का दिन मेरे लिए बहुत मज़ेदार जाएगा, आज मैं सभी काम जो जो मैं काम हाथ में लूँगा उसमें मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, मैं आज बहुत ही खुश हूँ, मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका है, जो भी काम में मैं हाथ डालूँगा वो काम मैं करके ही रहूँगा और उसमें सफलता मुझे मिलेगी, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट इनफ, आई एम एंथुजियास्टिक, मतलब इस तरह के आप सजेशंस देते हो तो उसका बहुत फ़ायदा होता है। अब ये सजेशन यदि आप अपने मन के मन में बोलते हो तो उसका इतना फ़ायदा होता नहीं है, जब ये जो अफर्मेशंस है ये अफर्मेशंस आप ज़ोर से बोलते हो तो आप बोलते भी हो और आपको वो सुनाई भी आते हैं, तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। और उससे भी आप ज़्यादा फ़ायदा चाहते हो तो आपने क्या करना है, अफर्मेशंस बोलते बोलते उसको फील भी करो। यदि आप ऐसा बोलते हैं कि मेरा आत्मविश्वास आज बहुत ही बढ़ा हुआ है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, तो आप उसको सोचते भी हो बोलते भी हो फील भी करते हो, और सिर्फ एक बार नहीं बार बार, मतलब आप सोचना जोर से बोलना बार 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 रिपीट करना, और जब जब रिपीट कर रहे हैं उसके बारे में फील करना, वो इमोशंस को फील करना, वो एक्चुअली देखना आंखों के सामने, वैसा एंथुजियाज्म अपने में आया हुआ ऐसा फील करना, वो बहुत ही काम कर रहा था, उसे बहुत सफलता मिलती है, और बहुत ही पावरफुल टेक्निक यह है। क्योंकि आप जब रिपीट करते हैं ना तो वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है, जब आप फील करते हैं तो वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। तो आप सुबह जब उठते हैं तो आप सकारात्मक सूचनाएं
सकारात्मक अफर्मेशंस, सोचना, बोलना, रिपीट करना, फील करना, ये आप करते हैं तो डेफिनेटली आप जो जो सुबह सोचेंगे, वो जो टिपिकल 5, 10, 15 मिनट उठने के बाद में उस समय जो जो सोचेंगे, जो जो अपने आप से बोलेंगे, वो आपके ज़िंदगी में पूरा होगा ही होगा, उसमें कोई शक नहीं रहेगा और वो आप पूरा कर सकोगे। क्योंकि जो भी आप बोल रहे हैं वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड इतना प्रभावी है कि उसमें एक बार जाके बैठ गया तो वो ऑटोमेटिकली आप ही आप वो आपको एक्शंस देगा। वहाँ से आपकी एक्शन शुरू हो जाएगी, उस तरह की आपकी एक्शंस आएंगी, उस तरह की आपकी कृति आएगी, और जब आप कृति अच्छी करेंगे सफलता मिलेगी। तो ये जरूर कीजिएगा और आपका जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो जरूर शेयर करो। हमारे जो हॉस्पिटल्स है वो अकोला में है, महाराष्ट्र में, नागपुर में, पुणे में हॉस्पिटल है, जहाँ हम कंसल्टेशन करते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन हम लोगों से करते हैं, रिसारों के साथ में रिसारों के अलावा लोगों को भर्ती करते हैं। हमारा जो मकसद है, हमारा जो एम है, मिशन है, वो है कि मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन एंड एडिक्शन फ्री इंडिया, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, तो आपका भी हाथ हमारे मिशन में लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।